पेशेंट है तो निकालो। नीम भाई सॉरी बाबा जी, नीम खलोड़ी। तो ना ज्यादा ट्रैफिक तो कभी हुआ ही नहीं है और यहाँ पे एम्बुलेंस है। दो पीछे का आदमी सुन लीजिएगा आप भी। सब्सक्राइबर है ये जाम नहीं। तो हमारा आज का वीडियो यहाँ से शुरू होता है। अभी शाम का 7 बज रहा है और माहौल अभी लकीली काफ़ी शांत है और अभी बिजली आया है लगभग 10 मिनट पहले। अभी देखो बैंगन का सब्जी बन रहा है। तो मैंने आज स्कूटर मंगवाया था, वो तो आप लोगों ने देखा ही, वो स्कूटर अभी नज़र नहीं आ रहा है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो ये है ये स्कूटर, और ये स्कूटर को भाई अभी घर के अंदर लगाना है। इसका स्टैंड हटा देते हैं। ये स्कूटर का क्वालिटी ना अच्छा नहीं है यार, और वैसे भी इसका कीमत बहुत ही कम है। ये है टोटल 2600 का, तो 2600 रुपये में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इसका मटेरियल ना काफ़ी चीप क्वालिटी का लग रहा है, एक बार अच्छे से देखो, बहुत ही चीप क्वालिटी का लग रहा है। बाकी ये लोहे का है, बाकी सब फाइबर का है। अरे बाप रे, जाओ किस तरह से जाएगा ये लड़का भाई साहब। अरे बाप, जोर से अगर ब्रेक मार दिया तो खेल खत्म। गिरेगा ये। ओ भाई कितना गाड़ी जा रहा है, ये पैसा बचाना चाह रहे हैं कि जाम है? नहीं नहीं पैसा बचाना चाह रहे हैं। नहीं नहीं, अगर अचानक से आ रहा है तो इसका मतलब एक्सीडेंट हुआ है। हाँ वही तो, हर बार पैसे बचाने के लिए लोग नहीं आते हैं। तो बचा के पूछ कर जा रहे हैं। ना ना जरूरी नहीं है, हो सकता है कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ हो, वहाँ पे जाम हो। अरे वहाँ मत चलाओ स्कूटर भाई साहब, तुमको चलाने वैसे ही नहीं आ रहा है। ये बाप रे, होने होने बाहर चल के चलाएंगे, बाहर चलेंगे। पूरा बारात आ रहा है यहाँ पे, तो बारात का गाड़ी है भाई। अभी हमारा प्लान था बाहर जाने का, जा नहीं सकते हैं। बारात पागल है क्या, लगन खत्म हो गया है। चल टूर के चल जाए, चल ये अभी पूछ रहे हैं कि आखिर क्या हुआ है, क्यों जा रही है गाड़ियाँ। बता ही नहीं रहा, रुक ही नहीं रहा, उसको डर लग रहा है। वो रुक ही नहीं रहा है, पता नहीं क्यों डर के मारे। अबे हमारे रोड पे जाम लगा दिया, हे भगवान। आपके साथ में 40 गाड़ी बुक करेंगे, 150 गाड़ी। अरे जाम हो गया क्या? जाम है क्या? सब्सक्राइबर है ये, जाम नहीं। पकड़ो पकड़ो कैमरा पकड़ो। और बस असल में जाम लगा है। जाम ही है ना? हाँ लग ही रहा था। हम लोग दो दिन बिजली बहुत मुश्किल से कटा है, तो आज आज सेट हुआ है सारा। मैं आया था आपके यहाँ आने के लिए, लेकिन लोकेशन नहीं मिला। अच्छा गलती से पहुंच गए यहाँ पे। वाह भाई साहब वाह। देख रहे हो ना यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों मिलके और ये कह रहे हैं कि ये नहीं चला पाएगा स्कूटर। अब देखने वाली बात ये है कि ये चला पाता है कि नहीं। चला लिया। वाह भाई अच्छा चला है, अच्छा चला है, चला है। एक बार इनको दो। हाँ सब चलाएंगे एक एक बार। वो ब्रेक है पीछे वाला, टांग रखो तो ब्रेक है, ब्रेक लगेगा। दौड़ जा। हाँ हाँ सही है सही है। ये लगा दिया, स्कूटी से गिर के आया है और कह रहा है कि नोचने के कारण चोट लगा है मेरी टांगों में। ये छुपा रहा है, एक्चुअली ये छुपा रहा है कि इसको चोट लगा है कैसे। चलो आप कोई और। अरे बाप रे, ब्रेक कौन सा है? ब्रेक ब्रेक से क्या मतलब? अरे ब्रेक से पैर आगे रखा तो पीछे से ब्रेक धर के मारते ना तो गिर गो। चलो ठीक है, ये भी पास है, पास टेस्ट पास। ठीक है भाई, आज जितना गाड़ी जा रहा है ना, इतना गाड़ी पूरी जिंदगी में आज तक कभी हमने जाते हुए नहीं देखा है। और मेरा तो कलेजा फट रहा है कि कहीं ये लोग फिर से पोल ना ठोक दे हमारे घर की, बिजली गायब हो जाएगी। आज आज अभी मतलब आधा घंटा पहले हमारे यहाँ प्रॉपर बिजली आया है, नहीं तो आधा घंटा नहीं 2 घंटे से ज्यादा हो गया था। जनरेटर ऑन करके हम लोग काम चला रहे थे और बाकी तो मोहल्ले के लोग समझो तो उनके यहाँ बिल्कुल संट, क्योंकि हमारे यहाँ इन्वर्टर जनरेटर है, उनके यहाँ बहुत कम है, सिर्फ सब लोग इन्वर्टर रखते हैं। तो 3-4 दिन के लिए इन्वर्टर कितना ही हैंडल करेगा मामला, जब पोल टूट जाए बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, और जो पोल में धक्का दिया था ना वो ट्रक ने दिया था, गाड़ी ने नहीं दिया। और सबसे मजेदार बात हुई, हम लोग उठ के वीडियो नहीं बना सके, नहीं तो दो सुना था मैंने सुबह मूड करके कि दो गाड़ी भर के पुलिस आई थी और पूरे मोहल्ले में भागम दौड़ी कर रही थी। कारण था कि मेरे मोहल्ले वालों ने 25,000 रुपया तहसील लिया था उस ट्रक वाले से जिसने धक्का मारा था। अब चाहे जो भी हुआ हो, वैसे जिसने भी किया होगा, अच्छा किया या बुरा किया, लेकिन कुछ ऐसा मैटर हुआ था कि पुलिस और भागम दौड़ी हुई थी, सुना था। कंफ्यूजन दूर करो, कौन सा गाड़ी आने वाला था? मर्सिडीज की। कौन आने वाला था? कौन सा वाला? मर्सिडीज मर्सिडीज होता है।
अगर तुम बोलो घर के बाबा जी, चलो चलो, इसने रुका, इसने मजाक उड़ाया है ना, अब ये भी बोलेगी, बोलो मर्सिडीज एक बेडरूम मंदिर का कौन सा कौन सा बाबा बोल रहा तू? आरा रोड की कुछ ऐसे बोला, नीब गलोड़ी बाबा, नीब गलोड़ी। पागल ऐसे हंसते नहीं है, वो नीब करोली बाबा हैं। भाई कोई ऑफेंसिव नहीं होगा, मुझे पता था कि इसका प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ है। हाँ, प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ है, हंसो मत लेकिन। हाँ, नीब करोली बाबा जी, नीम कलोड़ी। ये नहीं, पूजा चुप ना रहो, इसका वो है टंग वाला जो कह रहे ट्रांसफार्मर को, वो था ट्रांसफार्मर बोल तो, नीम ट्रांसफार्मर, नीम कलोड़ी, नीम कलोड़ी बाबा है बस, वो नीम 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 कलोड़ी बाबा, बस चुप नीम कलोड़ी। चलो अब यहाँ पे भी मैं एक बात बताता हूँ, तुमने क्या बोला? नीम कलोड़ी। तुमने क्या बोला? नीम कलो वो है नीब करोरी बाबा, नीम करोरी बाबा, नीब है नीब, नीब करोरी बाबा, नीब, हाँ। नीब करोरी बाबा, नीब करोरी बाबा। एक मेरे बहुत ही खास मित्र हैं वहाँ के, चलो जाए क्या मिलने यार। नीब करोरी बाबा के ऊपर ना वो एक सिनेमा शूट करना चाहते थे, तो उन्होंने मुझे अच्छे से बताया था उनके बारे में, शायद हम लोग बहुत जल्दी जाएंगे भी वहाँ पे, उन्होंने बोला था कि आना एक बार वहाँ। चलो यार, क्योंकि नहीं ये 6-7 महीने से चल रहा है, चलो चलो, लेकिन हम लोग गए नहीं है ना। हाँ ये नहीं, अच्छे से फिट नहीं हुआ है यार, अरे यार कुछ किया है गड़बड़, अरे नहीं यार टूटा तो नहीं ना यार, पता नहीं ये टूटा क्या, बहुत खराब क्वालिटी का है ये, मैंने पहले भी बताया ये बहुत खराब क्वालिटी। कितने रुपए का है ये? रेंजर कौन सा कंपनी है भाई? 2600। तब तो कम सा पैसा है लिया है, लेकिन पैसा जितना 2600 के हिसाब से ठीक ही है। थोड़ा सा सेफ्टी मेजर्स टाइप का कुछ होना चाहिए था, ताकि बच्चे अच्छे से चला सके, ये बच्चों के लिए है, गधों के लिए नहीं है। अरे अडल्ट के लिए, अडल्ट के लिए इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे जैसे 40 साल का बुड्ढा है इसको चलाए, नहीं मतलब अबव 18 वाले के लिए। ये पता है ये इतना खराब है कि इसको ना ये भट्टे वाले को ले जाके दे दूंगा तो वो ईंट ढोने के यूज में भी नहीं ला पाएगा। और बताए ये सब ना अपने यहाँ के लिए है ही नहीं है, मिट्टी विट्टी चलाने के लिए होता ही नहीं है भाई, ये जहाँ का रोड एकदम क्लीन हो ना वहाँ पे चलाने के लिए होता है। इसको पता नहीं है अच्छे से, नीम करोरी बाबा है, उनका नाम नीम करोरी बाबा भी है और साथ ही साथ उनका नाम नीब करोरी बाबा भी है। तो कभी कभी क्या होता है ना, अभी उधर बात चल ही रहा है और बहुत ज़्यादा गाड़ी इधर उधर आ रहा है, तो अभी हम लोग बाहर नहीं जा रहे हैं, नहीं तो हमारा बाहर जाने का प्लान था। तो कभी कभी क्या होता है कि वीडियो में हम लोग करना कुछ और चाहते हैं और दिखाना कुछ और चाहते हैं, आप लोग कुछ और समझ जाते हो। तो अभी भी जो थोड़ी देर पहले हुआ उससे कुछ गलत मतलब मत समझ लेना आप लोग, ना फिर या फिर कुछ गलत कमेंट मत करना, ठीक है? आगे मैं देता उसके मुंह पे ना बांस, बांस उसके मुंह पे लगता अभी सीधे, ना लगता, ना लगता। चाल चाल, आया 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 अपना ओलंपिक। हाँ अभी अभी ये लड़का हमें लंबाई से पूछना होगा ना, शरीर को वेट जो, हां वेट उठ के ये लड़की गाना गाए जा रही है, साइकिल चलाए जा रही है, इसको कुछ होश नहीं है। दूसरा कंपटीटर इधर से आ गया, देखो जहां जा रहे भैया दिन रात। अरे अब इसका पैडल फिर से खराब है क्या? हां, अरे किस्मत तुम लोगों की ऐसी की तैसी है, हर समय पैडल खराब। चलो रेंद्र लगा लो, बंद रखो तो यार लगा दो। अरे यार हथौड़ा लेके साइकिल कौन बनाता है? हथौड़ा खुरपी, ये देखो इंजीनियर साहब आ गए। ओए शिवम, अबे इधर आ, इधर आ। तोड़ दिया क्या तुमने कुछ? नहीं नहीं तोड़ दिया शिवम कुछ, इधर भीड़ लग गई है, सब लोग काफी चिंतित मुद्रा में देख रहे हैं कि आखिर भाई ने तोड़ा तो तोड़ा क्या। टूटा नहीं है, पैंडल चला के पैंडल बराबर नीचे बाबा दोनों पैडल को एक ही तरह एडजस्ट कर दिया, दोनों को एडजस्ट करना पड़ेगा। चला ना एक बार, अरे भाई चला ना, अरे हटो ना यार तुम लोग, देख चला एक बार पैडल मार, अबे दोनों पैडल मार, हाँ मार, अबे
मार मार एक बार मार, एक बार मार, एक बार मार। अरे वाह, अरे ट्रैफिक जाम के चलते ना सारा का सारा प्लान चौपट हो गया हमारा यार, सब बर्बाद हो गया। अब फिर वापस से मैं जा रहा हूँ जंगल में, मैं फिर से कुछ खतरनाक करने वाला, कुछ हॉरर सा करने वाला हूँ। पता है कल क्या हुआ था? कल मेरे साथ ना एक बहुत ही खतरनाक घटना हुआ। कल रात 3:30 बजे मैं सो के उठा बीच में, तो मैंने देखा कि गिन्ने ना अपने रूम में सो रही है और किसी से फ़ोन पर बात कर रही है स्पीकर पर। तो मैं जब इधर से वॉशरूम जा रहा था, तब जब रिटर्न आया देखो गिनी नहीं है, लेकिन फिर भी वो बात कर रही है, किसी से आवाज़ आ रहा है। तो मैं डरा नहीं, मैंने सोचा कि हो सकता है दरवाजे के पीछे में खड़ी होकर बात कर रही होगी, क्योंकि वहाँ से ना थोड़ा सा ही व्यू था कमरे के अंदर का। तो सुबह हुआ ना तो मैंने पूछा कि तुम अपने कमरे में किससे बात कर रही थी 3:30 बजे रात को? तो वो कह रही है कि 2 बजे रात को ही मैं अपने कमरे से चली गई थी और मंगल के रूम में जाके सो रही थी। तो मैं सुबह में शॉक हो गया, शॉक। वो कह रही है कि मैं थी ही नहीं तो आखिर था कौन? तो ये सच्ची कहानी है, मैं ऐसे कुछ बना बना के नहीं बोल रहा हूँ, और मैं ये इन सब मामलों में झूठ नहीं बोलता हूँ। तो ये सच्ची कहानी है और ये मेरे साथ कल हुआ है, और पता नहीं क्यों लेकिन ये बताते टाइम मैं अभी डर नहीं रहा हूँ, डर सा नहीं लग रहा है, लेकिन ये सोचो तो बहुत डरावना है। एम्बुलेंस अटक गया क्या यहाँ पे? कहाँ पे पेशेंट है? पेशेंट है तो निकालो इधर से गाड़ी। भाई साहब शिवा, ए मंगवा ले, इधर से देख ट्रैफिक, देख यहाँ देखो कितना ट्रैफिक लगा हुआ है। ओ बाप रे बाप, इतना ज्यादा ट्रैफिक तो कभी हुआ ही नहीं है। लगता है रोड पे कुछ बहुत ही खतरनाक सा हुआ है। और यहाँ पे एम्बुलेंस है? नहीं नहीं, इसके अंदर पेशेंट तो नहीं है, पेशेंट नहीं है इसके अंदर। बाप रे, मैंने ज़िंदगी में पहली बार अपने सड़क पे जाम लगा हुआ देख रहा हूँ। यहाँ पे कभी भी ऐसे ट्रैफिक नहीं लगा होता है। अरे पेशेंट नहीं है लेकिन एमरजेंसी नहीं है। आना जाना दोनों हो रहा है, आना जाना दोनों हो रहा है। देखो अभी तो आ रहा था, अभी जा भी रहा है। दो पीछे का आदमी होम गार्ड, अच्छा अच्छा होम गार्ड देख लिए हम। अरे भाई इसको आप कम मत समझिए। हाँ हम भी ऐसा नहीं है कि लड़ाई हो गया, लड़ाई हो गया, लड़ाई हो गया। पकड़ सुलगा रहा हूँ, सुलगा रहा हूँ, सुलगा रहा है। जा कोई तो नहीं है, शेर है एसपी को लगाने में डर नहीं लगता है, डर नहीं, इसको डर नहीं है। सुन लीजिएगा आप भी। अरे सोनू को तो उठा के पटक देगा ये एक बार में। ये भाई ये देखो आग में खींचने वाला है। अच्छा मत समझिएगा इसको, सोनू सुखरेला सा है उसको क्या। शेर जाके चार ठोकाली देके बस आ जाना है, समझे? यहाँ इधर से जब होम गार्ड गुजरे तो इधर से साला हरम दादा ऐसे करके सटाया, ऐसे करके बोले एम्बुलेंस आ रहा है, तुम बगल नहीं हट सका तब बगल हटा। ठीक किया है। हम चाह रहे हैं कि कोई गाड़ी वाला हमसे रास्ता पूछे, हम कहें कि कहाँ जा रहे हो, इधर कोई रास्ता नहीं है, गलत रास्ता में जा रहे हो यार पागला, तुम देख नहीं रहा है पूरा जाम लग गया है। बेचारा एक तो वैसे ही जाम से फंस के इधर से निकल रहा है और तुम उसको गलत रास्ता दे दोगी, ऐसा बद्दुआ देगा ना वो। कसम से बोल रहा हूँ भाई, हम बोल रहे हैं ना रोड पे चल प्लेट लगा के प्रैंक कर देते हैं तो हम इंसानों के प्रैंक नहीं कर सकते। सुनो पहले बात बोल रही हूँ, चैनल है क्या? प्रैंक किए तो तभी तो तुम जैसा आदमी। इन सबको रोड पे बिठाओ, मैंने कपड़ा ढंग का पहना हुआ है, मैं खाना परोसेंगे तुम लोगों को, कहूंगी कि कहाँ इधर कहाँ तुम लोग गाड़ी लेके, मेरे घर का आंगन है भाई, देख नहीं रहे हो रात को सब लोग बैठ के खाना खा रहे हैं। परेशान होकर बेचारा इधर से जा रहा है, डाइनिंग टेबल लाते उठा के। भाई हम लोग मजाक इसलिए बना रहे हैं क्योंकि यहाँ का जो सिस्टम है बेचारा बिजी रहता है कहीं और लोग फंस जाते हैं गाँव के रोड का इस्तेमाल करने के लिए। कभी नहीं आता है, अभी आया तो ऐसा हमारा एकदम दिन बन गया, कसम से अच्छा नहीं लग रहा है ना, अलग हो रहा है हमारा ग्रामीण सड़क को लोग यूज कर रहे हैं। हाँ एकदम नेशनल हाईवे 31 बन गया है, वाह सेकंडों में। अब इस पे करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट बनेगा, पता है तुमको 6 लेन पास होगा यहाँ से, और हमारी जमीन की प्रॉपर्टी की रेट रातों रात बढ़ जाएगी, हम अरबपति हो जाएंगे। एक बात बोलूं, हाँ ये कोई एक्सीडेंट कुछ नहीं हुआ है, पता है क्या है, ये टोल वालों का मशीन खराब हो गया जिसकी वजह से इधर भी लंबा लाइन इधर भी लंबा लाइन। अगर उसका मशीन खराब हुआ होता ना तो वहीं से वो पास दे रहा होता, वो रोक के नहीं रखता, ये जाम ही है। वो इतने जाहिल गवार है, एक एक बंदे को 5 मिनट रोक के, हम लोगों को जब रोका है लाइफ साहब ने से तो 5 मिनट से ज्यादा तो नहीं रोकेगा ना, 15-20 मिनट थोड़ी रोकेगा। देखो बात ये है ना कि यहाँ के टोल वाले का कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर कोई एक डिपार्टमेंट ले नहीं रहा, हर 2 महीने बाद कॉन्ट्रैक्टर भाग जा रहा है।
तो मिसमैनेजमेंट और क्या। ये दिमाग को तो पहले ही पैदल था, जो अंकु तो पैदल देखो लग गया। देखो हम गलत बोल रहे हैं, दिमाग से पैदल, दिमाग से ये पैदल है। देखने से पहले आदमी को सोचना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या सोच समझ के बोलिए। पिकअप है, पिकअप के ऊपर ओवरलोड सामान है। हां तो वही ना, हम समझे कि भाई ट्रैक। हां हां पिकअप है। कैसे समझ लिए पहले देखो भाई, हम तो भी नहीं देखे थे यार। नहीं इन्होंने क्या बोला, पहले देखो उसके बाद बोलो। इन्होंने गलत क्या बोला, तुम ठीक से आग नहीं लगाते हो। अभी आग अच्छे से लगाता हूँ। अभी जो दूसरा वाला पार्टी है ना, वो बहुत ज्यादा भड़कीला है। दूसरा वाला जो पार्टी है बहुत भड़कीला है, वो मालिक वालिक देखता नहीं है, मालिक को ही दे देगा, इसलिए मैं डर रहा हूँ। जब से हमारे घर में नए नए दो स्टाफ आए हैं ना, तब से हम लोग अच्छा खासा एंटरटेनमेंट होता है ना। हाँ, दोनों में मार हो जाता है, बार बार मार हो जाता है। तो इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, और ट्रैफिक जाम जो है वो खत्म हो चुका है। हमारा ये वीडियो होता है यहीं पे समाप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।